खबर पास जिला के डेहरी आनसोन से है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। इस घटना के बारे में बताया जाता है कि ट्रक ड्राइवर पटना से ट्रक खाली कर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। जैसे ही वो डेहरी आनसोन के जीटी रोड पर पहुंचा, तभी अपराधियों ने प्रभात और उसके सर में गोली मार दी। घटना डेहरी नगर थाना क्षेत्र के जीटी रोड न्यू डिलिया पुल के समीप मंगलवार की शाम अपराधियों ने लूट के दौरान एक ड्राइवर को गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल ट्रक चालक चिल्ला रहा था। उसी दौरान रास्ते से गुजर रही एक कोचिंग संचालक ने अपने बाइक पर घायल ट्रक ड्राइवर को बैठाकर तार बंगला स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। घटना के बारे में बताया जाता है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला के बोझा खैरा निवासी बलबीर सिंह के 28 वर्षीय पुत्र ट्रक चालक अनुज कुमार पटना से खाली ट्रक लेकर औरंगाबाद के रास्ते मैनपुरी लौट रहा था। जैसे ही वो जीटी रोड न्यू डिलिया पुल के समीप पहुंचा, पहले से घात लगाए अपराधियों ने ट्रक को रुकवाकर उसके साथ लूटपाट शुरू की। ट्रक ड्राइवर द्वारा विरोध करने पर अपराधी ने उस पर गोली चला दी। एक गोली ट्रक पर लगी, वहीं दूसरी गोली उसके सर में। घटना के बाद अपराधी भागने में सफल रहे। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग भयभीत होकर भागने लगे। ट्रक ड्राइवर घटना होने के बाद चीखते चिल्लाते छटपटाने लगा। तभी उस रास्ते से गुजर रहे न्यू एक्सलेंट एकेडमी न्यू डिलिया के संचालक रोहित कुमार सिंह ने घायल को अपने बाइक पर लेकर तार बंगला स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया। एसपी आशीष कुमार भारती का कहना है, ट्रक चालक को गोली मारने की घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि इस घटना के संदर्भ में क्या कहते हैं डॉक्टर, आइए सुनते हैं खास रिपोर्ट के दौरान। रोहतास आरपी भारत के लिए कैमरा पर्सन आदित्य राज के साथ रोहित सिंह की खास रिपोर्ट। शख्स को गोली लगी थी, क्या मामला था? पूरा ट्रक ड्राइवर था, उसको लेफ्ट आई के पास गोली लगा था। गोली से उसको आंख डैमेज होने का चांस है और ब्रेन में भी इंजुरी है। उसको हमने प्राइवेट ट्रीटमेंट करके सेटल करके बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। पेशेंट यहाँ से सेटल कंडीशन में गया है, बाकी का ट्रीटमेंट फर्दर वहाँ बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में होगा। तब उसका आँख का आई का डिटेल पता चलेगा, ब्रेन का इंजुरी पता चलेगा। कुछ जानकारी मिली है क्या कि वो रहने वाला कहाँ का था? वो रहने वाला यूपी का है, ट्रक ड्राइवर है वो, और जी टी रोड के पास गीतांजलि हॉस्पिटल के पास गोली लगी। सर कितने गोली लगने का कोई संभावना था? तो बहुत करीब से मारा हुआ है, एक गोली लगा है उसको, लेकिन गोली का बहुत सारा अच्छा रहा है उसका, कोई बुलेट नहीं। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।